अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम फ्रॉम आदित्य आप सब लोगों को हमारे चैनल फॉनिक टेस्ट में। उम्मीद करते हैं सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं अपने कुदरत सलाफ खान और आप लोग के लोग लेकर आए पठान भाई। सऊदी अरबिया आउट पाकिस्तान ट्रेंड, पाक मीडिया नरेंद्र मोदी क्या बोल रहा है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पता नहीं टाइटल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यार इसने। सऊदी अरबिया आउट पाकिस्तान ट्रेंड, वाइक करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या सीन है। अगर चैनल पर चैनल वाटर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। लाइक करिए, अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो सर Instagram, हम लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। तो प्ले कर लो क्या सीन है उसे। नई वीडियो में 200 दे के इल्जाम तक तो ठीक था, पड़ोसी देश पाकिस्तान अफगानिस्तान हिंदुस्तान पर जो इल्जाम लगाता था इतने अरसे से वो ठीक था, अब एक भयानक इल्जाम लगाया है। इतना भयानक इल्जाम है कि सुन कर ना दोस्तों आपके पेपड़े जो है वो भड़क उठेंगे। देखें, यूएई ने एक अनाउंसमेंट किया था कुछ टाइम पहले और उन्होंने कहा था, वो वीजे भी बहुत सारे सख्त कर दिए थे पाकिस्तानियों के लिए, और उन्होंने कहा था कि अब हमें लेबर्स की जो है जरूरत नहीं है यूएई के अंदर, उनको निकाल दिया जाएगा जितने भी लेबर्स हैं, जितने भी काम करने वाले हैं। और सऊदी अरबिया भी यही करना चाहता था। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि अब हुआ क्या है। देखिए, सऊदी अरबिया अगर आपको पता हो 2 से 2.5 महीने पहले उनकी सरकार ने पाकिस्तानी सरकार को बुलाकर सामने बिठाकर उन्हें कहा था कि भाई आपके पाकिस्तानी लोग लाखों लाखों रुपए का वीजा टिकट करके आते हैं हमारे देश में, गली कूचों में बैठकर बेस बदलकर हमारा ड्रेस पहनकर भीख मांगते हैं। अब जब दूसरे देश के लोग परिजन लोग आते हैं हमारे देश में, तो उसी कंट्री के समझते हैं, ये बात तो सच है, भीख मांग रहे हैं भाई कौन सा पैसा, पेट्रोल या डीजल जो भी है तेल का। देखिए, दुनिया बोलती है ना कि अरबी लोग काम नहीं करते, तेल का पैसा है भाई। देखिए, अरबी कंट्रीज में सऊदी या यूएई ये लोग काम नहीं करते, इनकी कंट्रीज में जो लेबर जो लोग होते हैं, जो नीचे क्लास के लोग होते हैं, वो सब जो है बाकी एशिया कंट्रीज से आते हैं और 100 में से 90% लोग जो है पाकिस्तान के हैं। तो सऊदी ने तो सबसे पहले ये पटका मारा बेकारिस्तान को कि भाई सबसे पहले तो अपने बेकारियों को निकालो यहाँ से, भाई है पाकिस्तानी लेकिन ड्रेस हमारा पहना हुआ है और गली कूचों में बैठ के भीख मांग रहा है। ये तो सही बात नहीं है, अगर रियलिटी पर चीजें न्यूज़ में भी आया था आप सबने सुना है। लेकिन अब जो है सऊदी अरबिया ने बोल दिया है कि अब हमें पाकिस्तान से कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी बंदा पाकिस्तानी नहीं चाहिए सऊदी अरबिया में, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हो, चाहे वो यहाँ पे कुछ भी करना चाहो, सिवाय हज के आए, हज करे और भागे यहाँ से। तो अब मसला यहाँ पर ये हो रहा है कि पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियन लोग और कुछ पर्ची बोलते हैं ना, पर्ची प्लेयर है, पर्ची एंकर है, पर्ची जर्नलिस्ट है, तो जो ये पर्ची मीडिया के जो लोग हैं स्पेशली पिज़्ज़ा खान है, ऐसे और भी बहुत सारी है, ये पिज़्ज़ा जैसे बर्गर पिज़्ज़ा, तो ये लोग कहते हैं कि इसके पीछे जो साजिश है वो हिंदुस्तान की है। अच्छा, बोलते क्या है अब पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि सऊदीया जो है, हिंदुस्तान जो है सऊदीया को पाकिस्तान से लड़वाना चाहता है। यार तुम्हारी औकात क्या है कि सारी दुनिया तुमसे लड़ रही है, भाई सऊदीया हमसे लड़ रही है, वो हमसे लड़ रहा है, तुम्हारी औकात क्या है भाई। अब तो तुम ऐसा हो गए हो जैसे लोटा नहीं होता, कमोड में लोटा होता है, कोई भी आके पानी भरकर चप चप जो है धो के निकल जाए, तुम्हारी औकात लोटे से भी बदतर है मेरे भाई। लोटा हो गया है, घंटा हो गया है, कोई भी आके लंबा बिछा के निकल जाता है, तो आपकी औकात क्या है। अब बोलते हैं कि हिंदुस्तान सऊदी अरबिया को ब्रेन वॉश कर रहा है कि वहां से पाकिस्तानियों को निकालो। भाई ये बात हमने 2 से 3 साल पहले भी कही थी, अब भी बोल रहे हैं, रिपीट करके बोल रहे हैं कि हमारे पड़ोसियों को, पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में किसी देश में जगह नहीं मिलेगी, चाहे वो अरबी कंट्री हो, चाहे वो कोई और कंट्री हो, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, कुछ भी हो। यार खुद पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे सिटीज हैं, ऐसे इलाके हैं, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा हो गया और बहुत सारे इलाके जहां पर वहीं पर पाकिस्तानी नहीं जा सकते, बोलते हैं पाकिस्तानी है ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा जब अफगानिस्तान के लोग हैं, जाए बलोचिस्तान के वो बोलते हैं पासपोर्ट भी नहीं मानते, पाकिस्तान को मानते ही नहीं है, वो पाकिस्तान के दिन ही नहीं बनाते। इसी तरह कश्मीर के साइड जाए वो बोलते पाकिस्तान कौन सा देश है भाई, हम नहीं जानते पाकिस्तान को। तो ये जो दो तीन जो 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 वहाँ के जो लोग हैं जैसे पंजाबी हो गए, लाहौरी हो गए और भी कुछ एक हाथ है, तो वो कहाँ जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, इनके ऊपर जमीन हो गई है तंग, घंटा बन गया है, कोई भी आके थप्पड़ मार के जा रहा है। तो ये इनकी हालत है। अब सऊदीया और यूएई ने साफ साफ अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई
चलो बोरा बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से, गंदगी मतलब जो है बनाओ। ये भिखारियों की वो यही हुई थी, इस तरह हो रहा है। हमारे होली प्लेसेस पे भी उधर बैठे हुए होते हैं, निकाला जाएगा। दुनिया में सबसे बड़े स्कैमर यही है, चाहे वो ऑनलाइन स्कैम हो, चाहे वो फेस टू फेस स्कैम हो, चाहे वो गंदगी हो, चाहे रेस्टोरेंट में गंदा खाना खिलाने वाले लोग हो, चाहे वो बच्चों के साथ गलत हरकत करने वाले लोग हो, ये सब यही लोग करते हैं दुनिया में। और कोई भी देश आपको नहीं मिलेगा जो इतने बुरे गंदे लोग जितने ये पाकिस्तान के हैं। तो ये अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं हिंदुस्तान के ऊपर कि जयशंकर और नरेंद्र मोदी जी इनके पीछे है और वहाँ पे जाके ब्रेन वॉश कर रहे हैं उनको, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, हम ये करेंगे, जो है वो समंदर में जाके झूठी कहानियाँ बना रहे हैं, इसको बचा लिया, उसको बचा लिया। भाई हिंदुस्तान की नेवी ने ये कर दिया, ये एक्टिव हो गया, वो हो गया, ये सारी चीज़ें दिखाकर जो है वो सपने दिखाकर जो है वो पाकिस्तान से लड़वाना चाहता है। भाई पाकिस्तान से दोस्ती करना तब बनती है उन देशों की जब आपका लेवल हो, जब आपकी औकात हो, आपके अंदर क्वालिटी हो। आप तो ऐसा लग रहा है चाइना का गुब्बारा फूंक मारते पटक से फट जाता है। आपकी औकात क्या है कि वो लोग जो है वो आपसे दोस्तियां करेंगे? दोस्ती उससे की जाती है जो लेवल के बंदे होते हैं। भाई तेरे से कौन दोस्ती करेगा? तेरे से कोई उम्मीद ही नहीं रखता कि 2 रुपए तो किसी को दे नहीं सकता। तू जिधर भी जा कटोरा आगे कर ले, थोड़ी भीख डालो। अब ये इल्जाम और दोस्तों ये हिंदुस्तान की बात नहीं है, हिंदुस्तान अपना काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। सऊदीया के साथ भी लगा हुआ है, यूएई के साथ भी लगा हुआ है, मालदीव के साथ लगा हुआ था। उसका उसने जो है अपने जो है खाने में खुद अपनी ताली में लात मार दी, अपने पैर पे हथौड़ा मारा है। तो ये सारी चीजें अब आपने सुना है कि तुर्की भी चाहता है कि वो हिंदुस्तान के साथ करीब आने की कोशिश करे। कल तक तुर्की जो ब्रेन वॉश हो रहा था पाकिस्तान की तरफ से हो रहा था, वो भी अब चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ जो है वो आगे बढ़े। हिंदुस्तान कैसे जो है पूरी दुनिया के देशों के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये इल्जाम पहले तो ये बड़ा भयानक इल्जाम है भाई, अल्लाह बचाए ऐसे इल्जामों से। भाई ऐसे इल्जामों से सामने देश को तो कुछ नहीं होता, लेकिन इल्जाम लगाने वाले की सूचती बड़ी ज्यादा है भाई। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय। बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने बहुत पहले भी बनाई थी कि कुछ लोग वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं, ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। असल मसला ये है कि पाकिस्तान का जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर है, जो एस्टेब्लिशमेंट का स्ट्रक्चर है, वो सारा जो है खोखला हो चुका है। जो भी आ रहा है खा रहा है, जो भी आ रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं। अभी अभी मैंने एक न्यूज देखा, मैं फेसबुक पे यूज चेक कर रहा था कि एक पायलट है पाकिस्तानी, वो कनाडा में अपना वो जहाज वहां पे खड़ा करके वो इसी तरह हो रहा है, खुश हो गया, मतलब वहां से भाग गया। तो पाकिस्तान की जो हालत है देखो बहुत ही, एक तो उन्होंने ऐसे बात की कि एक गंदगी, हमारा एक कहावत है कि गंदगी हर जगह होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह पे अच्छे लोग होते हैं, हर जगह पे अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। yes, yes. तो एक चीज और पाकिस्तानी के कुछ आप आजकल का जो दौर है जो मतलब पाकिस्तान का तो बहुत ही बुरा। अभी मैंने एक बात बताई कि एक पायलट सब कुछ छोड़ के मतलब वो चला गया, अभी मैं न्यूज़ चेक कर फेसबुक पे आया हुआ था। ये रियलिटी है, बाकी ये इस वजह से मैं इस तरह की मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है इनका, पॉलिटिक्स वगैरह सब कुछ, मतलब ये है कि जो गरीब है और गरीब होते जा रहा है, जो अमीर है और अमीर होते जा रहा है। गरीब जा रहे क्या करेंगे, तो वो मजबूरन हो के बस ये क्या खटखटा के वो सऊदी में ज्यादा पैसे मिलते हैं, उधर ही थोड़ी ना मस्ती से जा रहे। जहाँ तक सऊदी का बात है कि जो क्या कि देखो ये लोग हमारे कपड़े पहन के ओलिया सब कुछ हमारा बना के फिर भीख मांगते हैं, तो ये कम्युनिटी की या एक कंट्री की बहुत ही बदनामी हो जाती है। yes, तो ये तो कहीं भी ना किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे अफगानी हो, पाकिस्तानी हो, या इंडियन हो, या कोई भी हो, क्योंकि उस कंट्री की जो है, फिर सऊदी जो है कैसे कंट्री है, जो वहाँ के लोग काम ही नहीं करते हैं। yes, yes, भी कहाँ से मांगे, कहाँ से मांगे, तो एक रियलिटी है। बाकी पाकिस्तान की हालत तब ठीक हो सकते हैं जब अपने नेबर के साथ अच्छे तलखा होंगे, वो भी अगर देखी जाए इंडिया के साथ तलखा अच्छे होने चाहिए, जिस अभी हो इंडिया के साथ तलखा अच्छी होनी चाहिए। yes. और पॉलिटिक्स में जो है सही तरह डेमोक्रेसी लेके आए, एक वैसा बंदा आ जाए जो कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे, टू द रूल्स रहे, तभी कुछ हो सकता है। बट अभी तो दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए प्लीज सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, साथ में जो बेल आइकन है उसे लाइक करें, तो फैसले के सपोर्ट मिल रहे हैं। स्वाभाविक है, इतना ही। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।